On behalf of Namo Studio and Gaurav Groverji, I welcome all of you here in Delhi for the press conference for Kanna Vichwalia, featuring Homi Dilliwala and Aparna Nair, produced by Gaurav Grover, co-produced by Udit Vats, directed by Mihir Gulati. The label is Namo Studio and production is by Pinaka Entertainment. So here I open the conference and I would request the captain of the ship, always Mihir Gulati, to open the conference and share a few words about putting this whole project together and how did this all happen? Hello. So Kanna Vichwalia, it's a beautiful track. Bhumi ne bahut acha gana banaya. It's a love song, very very bright song. And हनी भाई ने अपना जो वर्स दिया इसके अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हनी भाई ने इतना बड़ा लाइक मोर देन अ 50 सेकेंडर वर्स किसी गाने में दिया है. एंड हमने जैसे ही गाना सुना था आई वॉज लाइक एकदम से ही इंस्टेंटली वी लाइक इट द होल टीम. देन वी वर थिंकिंग टू शूट द सॉन्ग इन थाईलैंड फर्स्ट क्योंकि हम लोग फुकेट में कुछ प्लान कर रहे थे. बट देन जब हमने गाने को सुना उसकी ट्रीटमेंट बनाई और सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको दुबई में शूट किया. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राइट सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना बनाया है. एंड जो होमी की एक जो होमी ने पहली बारी एक लव सॉन्ग गाया है तो होमी इज़ बेसिकली थोड़ा पार्टी वाइब और रैप जोन के गाने ज़्यादा करते हैं. बट बहुत अच्छा उस तरीके से प्रोड्यूस किया. एंड हनी भाई का जो रैप है इसके अंदर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. एंड जो इस वीडियो का जो हनी भाई का वर्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो भी हनी भाई ने हमें दिया था कि मैं इस तरीके से इस वीडियो को चाहता हूँ कि ब्रिस्क वॉक करके मैं रैप करना चाहता हूँ क्योंकि रैप की वाइब भी हो रही है. तो आई होप आप लोगों को सबको बहुत पसंद आ रहा है. एंड हमेशा की तरह हमारे को लेबल से बहुत सपोर्ट मिला नमो स्टूडियो से. जो भी हमारी क्रिएटिव रिक्वायरमेंट थी उदित भाई ने और गौरव भैया ने हमेशा मतलब किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. And we are very happy कि इतना अच्छा outstanding result आ रहा है and everyone is loving it. Thank you. Of course, एक गाना incomplete होता है जब तक producer board पे नहीं हो. क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए producer का तो काम इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता रहता है. Honestly speaking, when you're working with Hani Bhai, you're working with me, और रही बात इस गाने की, ये गाना मतलब हम लोगों ने जब फर्स्टली हम लोग भी मेट हनी बाजी कि भैया हमें कुछ ऐसा काम करना है, हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नाम तक भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम लोग नाम क्या रखने वाले हैं. हम लोग भैया के साथ बैठे हुए थे स्टूडियो में, भैया ने बोला कि यार जब आप हम लोग काम कर ही रहे इतना सब कुछ हो रहा है तो प्लीज़ नाम भी आप ही दो क्योंकि हम तो बचपन से फैन रहे हैं हनी भैया के, बहुत हमेशा से उनके गाने सुनते आए हैं. तो हनी भैया ने ये नमो स्टूडियोज इट वॉज गिवन बाई योयो हनी सिंह. एंड गाने हमें करने थे तो वो भी भैया ने हमें, इन्होंने ही हमें गाइड किया कि आप अलग अलग हम लोगों ने क्योंकि नए पहला गाना था, दूसरा गाना, तीसरा, तीनों गाने हमने हनी सिंह के ही करने थे अपने लेवल पे. तो तीनों गाने अलग होने चाहिए एक दूसरे से, ये हमारा एक थॉट था कि मतलब एक जैसे ही सॉन्ग में ही हम लोग डालेंगे. तो जाम जो हम लोगों ने पहला गाना किया था वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी, वो भी हनी भाई ने पूरा कॉन्सेप्ट, वो मतलब हनी भाई के साथ जब मिले पहले तो फैन थे, गाने सुनते थे, ग्रुप करते थे, गाने गाते थे, रैप करते थे हम लोग अपनी पार्टियों में, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो जब मिले तब समझ में आया कि जब हनी भाई का एक तरीका है अपने गाने प्रेजेंट करने का, या क्योंकि हम एक ऐसा लेबल गए उनके पास, जब भैया ने गाना सुनाया, पहले हमें स्टोरी बताई, फिर हमें गाना सुनाया, फिर हमें बताया कि इस तरीके से मैं गाने को हम बनाएंगे. तो हम लोग अलग से ही हम मतलब वो मेरा फर्स्ट टाइम एक भैया के साथ इतना बड़ा इंट्रैक्शन था, इतनी एक काम को लेकर भी था. तो हम लोग उस टाइम ही बहुत और एक अलग फैन मोमेंट में चले गए. फिर देन गतिविधि का एक अपना था जॉनरा उसका, एक कि भाई हमने ये एक डांस ट्रैक करना है, उसके भी पीछे एक थॉट थी भैया की, उस तरीके से किया. सिमिलरली एज मिहिर सेड, इस गाने के भी मतलब कई चीज़ों में हनी भाई जैसे चीज़ें बताते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, जब वो एंड प्रोडक्ट आता है हमारे सामने तो वो पूरी टीम को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये ऐसे ही होना चाहिए.
तो जब व्हेन यू हैव हनी भाई यू हैव नीड टू मेक इट हैपन ऑल दीज थिंग्स व्हाटएवर हनी भाई कॉन्सेप्चुलाइज तो आई डोंट थिंक सो प्रोड्यूसर का इतने ज़्यादा कोई काम बचता है प्रोड्यूसर्स तो हाँ ठीक है हम लोग होते हैं हर चीज़ में जैसे जैसे हमें बोलते हैं हम ओबलाइज कर रहे हैं हम लोग वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री गाइस हियर तो वी आर थैंकफुल टू हनी भाई मिहिर ऑब्वियसली एंड हनी फॉर दिस लवली सॉन्ग एंड लाइक आई गेस दिस इज ऑल आई कैन से Umi, it must be a proud moment for you to be featuring alongside Hani Baji. What would you like to say? And tell us about the whole, you know, setup when this whole song happened.